नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर कहा है कि नीतीश सरकार में ही मंत्री मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है। कृषि मंत्री खुद ही सीना ठोककर काला बाजारी की बात करते हैं। नीतीश चाह कर भी सुधाकर सिंह पे कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बीमा भारती के आरोपों पर नीतीश कुमार जांच क्यों नहीं करवाते हैं। बार हो रहा बिहार के अंदर कोई मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूँ और कह रहा है कि खाद में, बीज की बिक्री में, केमिकल फर्टिलाइजर की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार हम रोक नहीं पा रहे हैं। और जब मंत्रिमंडल की बैठक में मुद्दा उठाते हैं तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। सामने वाला यानी कौन? यानी मुख्यमंत्री। और कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, गठबंधन की सरकार बन गई लेकिन कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई राज्य सरकार का मंत्री अपने मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीमा भारती अपनी सरकार के मंत्री को चुनौती दे रही है और कह रही उनको हटाइए, ये तो हम लोगों ने मांग नहीं किया, तो उन्हीं की पार्टी की विधायक जो वो मांग कर रही हैं और दिखा रही है कि उन पर हत्या के मामले में वो उन पर FIR दर्ज है, फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये नीतीश जी कैसी सरकार चला रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि देश 2024 में भाजपा मुक्त होगा। उन्होंने लिखा है कि चिंता मत कीजिए सुशील जी, देश को भाजपा मुक्त बनाएंगे। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, देश को सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनेगा। जेडीयू के पूर्व महासचिव और नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले पवन वर्मा पटना में हैं। इसके साथ ही बिहार के राजनीति गलियारों में कई तरह के चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि पवन वर्मा नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच समझौता कराने के लिए पटना पहुंचे। हालांकि पवन वर्मा ने इन बातों से इनकार किया है, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने सराहना की है। नीतीश जी तो मेरे चोजन नेता थे, मैंने भारतीय विदेश सेवा से एम्बेसडर होते हुए त्यागपत्र दिया उनके साथ ही जुड़ने के लिए, और हमारे रिश्ते में वो स्नेह और सम्मान है कि जब मैं निष्कासित हुआ पार्टी से एक सिद्धांत के आधार पर, उसके बाद भी हमारी बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही है। तो इससे कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालना मैं समझता हूँ उचित नहीं। सर, 2024 से पहले आप आए हैं यहाँ पर और नीतीश कुमार का भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है PM कैंडिडेट को लेकर, क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक पद यात्रा पर निकले हुए हैं और दोनों आप लोग एक साथ अलग हुए थे और फिर दोनों को ही साथ आए हैं, क्या लगता है कुछ समीकरण? अब दोनों साथ कहाँ आए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं नीतीश जी से मिल रहा हूँ। और 2024 की जहाँ तक बात है, नीतीश जी तो खुद कह चुके हैं वो PM के उम्मीदवार अभी तो नहीं है। हाँ, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो वो अच्छी बात है और वो इसको, इस लक्ष्य को बखूबी निभा भी सकते हैं और मैंने उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं दी। ये नीतीश जी का फैसला है, प्रशांत जी का फैसला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी करने का मेरा कोई औचित्य नहीं। TMC आपने छोड़ी है, अब आगे क्या आपकी कोई राजनीतिक सफर किस पार्टी के साथ रहेगी? सर, TMC छोड़ी मैंने, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था पार्टी का, पर जब मैं निर्णय लूंगा कि आगे क्या करना है, आप आश्वस्त रहें कि सार्वजनिक रूप से आपको पता चलेगा।